हो गया स्टार्ट। देखिए पहले गातों से जुड़ी हुई मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए गातों में कुछ ऐसा है कि पॉइंट है, जैसे यदि आधार समान है और बराबर में है तो 100% उनकी पावर इक्वल है। बात समझे कैसे? जैसे ये आधार है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, ठीक है, मतलब इनका आधार समान है और बराबर का चिन्ह दे रखा है तो इनकी पावर है वो 100% इक्वल है। यानी कि यदि 3a = 3b हो तो a बराबर क्या होगा? अब आप बोलोगे कि सर ये चीज़ काम कहाँ आएगी, तो काम आएगी इसके लिए तुरंत क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। ये फुल क्यों किया है? एक दांसेर एक फुल करेर फिर एक अलग टाइप की है। देखो यदि यदि लंबे पैर हैं, मोबाइल को बोलो, मेरे तो कुछ नहीं आप आगे डिस्टेंट डिस्टेंट है, नहीं जो बड़े पाचू भी कर जाएंगे। अच्छा यदि यदि 5 = 3a - 30 = 5a - a+50 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का मान क्या चलो? तो आपको पता है कि आधार समान है और बराबर में नहीं आ रहा, चलो अब जैसे तैसे, तो इनकी गाते हैं वो क्या होगी? इक्वल होगी, अर्थात ये आधार समान है बराबर में है, बराबर का चिन्ह है तो क्या ये ए इस तरफ आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा? आ गया ए का वैल्यू, आधार समान है बराबर में तो पावर इक्वल होगी, तो ये पावर इक्वल कर दी 3a - 30 = a+50। अब 3a और ये a इस तरफ आया माइनस का, ये उधर गया प्लस का, लिखो इसको ठीक कर दो मीनाक्षी, नहीं यहां से सीधा ही पूरा, करो ना इसको सीधा कर दो, बोलो मीनाक्षी करो, डाड़ियों कोने में पाड़ियों परोट नहीं है को बटेरा कहता डाड़ियों कोने में पाड़ियों हुई देखो, मतलब है कि थोड़ो गड़बड़ हो जाएगा, मैं थोड़ो सही कर देना वापस, चलिए यहां तक लेती। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखें, टेबल टेबल कीजिए क्या था, टेबल देखो देखियो बे चला चढ़ा ले बेटा, रेलवे स्टेशन बेटा देखो जल्दी आगे, यहां तक लिख दिया, चलिए आगे बढ़िए। देखो लाड एक कंसेप्ट ये था, अब इसके बेस पर अपन क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, एक 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 क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं, एक में थोड़ा पॉइंट का भी बता देता हूँ जोड़ बाकी का। जैसे आपको बोले 1.73 और माइनस में आपको करना है 0.2410 या 19, ऐसा दे दिया, तो मैं आपको थोड़ा बाकी का भी बता देता हूँ कि किसी की बाकी बहुत ही वीक हो देखो। तो इसमें क्या है कि जैसे 1.73 है तो अब पॉइंट के सीध में सीधा पॉइंट आएगा और इधर क्या आएगा 2419, ऊपर कुछ नहीं है मतलब, और यहां पर भी ठीक है। अब देखो ये इधर से उधार ले, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1 8, इधर 2 रहा तो इधर से उधार ले, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 4, ये ऐसे और ये आ गया 1.4881, ऐसे कर लोगे ना। अब थोड़ा एक पॉइंट का मैं थोड़ा गुणा का सिस्टम बता देता हूं, ठीक है, इन वापस बताओ। देखो ये पॉइंट के सीध में पॉइंट रहो, वो पॉइंट के सीध में पॉइंट, ऊपर 7 3 9 इतो को लिख दियो, 0.2419 यहाँ पे जीरो लगाने माइनस। अब देखो थोड़ा गुणा का भी देख लो, आवाज नहीं
देखो 121 इंटू, जैसे मान लो 1.21 को मैं बोलूं 1.1 से गुणा करो, तो एक आप एक काम करना, ठीक है, आप क्या काम करोगे, आप एक काम करना 121 को 11 से गुणा कर लो, पहले ये नॉर्मल तो आता ही, तो ये होगा आपका 13 31। अब आपको देखना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिजिट कितने, अंक कितने, तो आपने इस पॉइंट से यात्रा प्रारंभ की 1 2, तो 1 2 3 पॉइंट छोड़ के क्या लगा देना, 3 अंक छोड़ के क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मल्टीपल करना है, तो अभी देखते हैं आप कितना सही करते हो मल्टीपल, कितना नहीं करते हो, और इसके लिए आपके सामने क्वेश्चन पेश किया जा रहा है। सबसे अरे पांचवा क्वेश्चन में देखो, जहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है ना पर्सन वाचक चिन्ह, वहां लिखोगे एक्स, और जहां पास में ऐसे है ना ऐसे चिन्ह करके दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक्स के ऊपर पावर में, कोई भी चीज पावर में रहती है तो ऐसे डिनोट करते हैं, ओके, एक्स स्क्वायर। तो पांचवा क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। अभी पता लगेगा कितना जोड़ बाकी, ठीक है आप सात माइनस दो बराबर एक्स स्क्वायर, कितना है महेंद्र, चार है, पांच में दो पांच, चलिए बाकी लोगों के प्राणियों के कितने कितने आ रहे, देखिए इसको कैसे करोगे, ये सबसे पहले क्या होगा भाग, तो 5.25 ब्रैकेट है ना बी वार्ड मास, ब्रैकेट को सोल्व करो, तो देखो पॉइंट हटाया बट्टे में क्या आया 100 आया, तो 100 में 4 को कट करो कितनी बार गया 25 बार, 25 से इसको कट करो कितनी बार हुआ कट 21 बार, ठीक है, तो क्या हुआ 21 × 6 कितना होगा 100 भाग 7 - 2 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, भाग होगा तो 126/7 - 2 बराबर एक्स स्क्वायर, इसका कितना गया 18 - 2 बराबर एक्स स्क्वायर, 18 - 2 कितना 16 एक्स स्क्वायर, ये इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा रूट, तो x बराबर क्या हो गया अंडर द रूट ऑफ 16, हो गया नॉर्मल। यहां से तो अभी शुरुआत हुई है, अभी देखिए अभी हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर काम, चलो आपका नॉर्मल चीजें चेक करता हूं मैं कि आप कितना आपका सॉफ्टवेयर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 को टेस्ट कीजिए, थाने एक क्वेश्चन इजी लाग रही हो चाहे ना बारो, क्वेश्चन नंबर में 3 दियो, यहाँ का कई क्वेश्चन है पॉइंट आंका जगह छोका छोका है जगह धे दम स्पीड माने ने गलत करा जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 333.44 + 33.4444
प्लस 3.4444 और प्लस 3333.4 इज इक्वल टू कितना होगा? पहले पॉइंट को पॉइंट के ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है सभी के भाई यारा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ हाँ, इसमें है ना आपको पहले पॉइंट का ध्यान रखना है, सबसे मेन तो ये मेन पॉइंट है, पॉइंट बीचों बीच रखना है। जैसे ये सेट किया, इसके नीचे ये सेट किया, ये सेट किया, ये ऐसे सेट कर दिया, तो ये चार चार कितना हो गया? आठ। ये बारह का दो असल की, चार चौक सोलह, एक सत्रह का सात असल की, एक चार तीन बारह, एक तेरह का तीन असल की, एक दस जीरो असल की, एक सात सैंतीस सौ 3.7286 हुआ। नए वाले प्राणी हो गया या नहीं? या किया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, वापस बता देता हूँ। लग रहा है वो मुझे चेहरे से पता लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये क्या कहे। देखो देखो, बहुत नॉर्मल चीज है, क्रम को ध्यान रखना, वो गणी अड़ी को नहीं आपांगे, ध्यान रखना पॉइंट को, ध्यान समझ लियो। आ है 3333.44 कर दियो, फिर बाद में वो पॉइंट की जगह पॉइंट आनो, अन तीन अन चार 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 चार, बस इन्हें 3.444 तीन वाली पच ओ 3300। अब से के लिखो क्या है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दियो, अने तो एक चार है, अनली साइड तीन कितना है चार। अब ए को ध्यान रखिए, जो ए सीद में जिक्र अटकी नहीं है, जीरो डाल दे, ठीक है ना। ए को ध्यान रखिए, जो ए आगे पीछे मत कर दीजिए, अनली साइड जट नहीं है, बट जीरो डाल दे, डाल दी चार आठ बारह सत्रह को सात असल की एक, चार तीन बारह एक तेरह को तीन असल की एक, दस असल की एक सात, आई सर यहाँ। चलो कोई बात नहीं, हाल और प्रैक्टिस करा, अब आर देखो हुई। ये काम करो, रुको 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 रुको, ये पांचवा कर दो क्या? नहीं पांचवा तो किया ना अभी यार, पांच ये कर दो, चलो पहला ही कर दो। हाँ एक बटा चार, ये बड़ा होने का इसमें सिस्टम ही इसमें कंट्रोल प्लस नहीं हो रहा। अच्छा हुआ क्या? अरे अच्छा अच्छा हो रहा, हो रहा ये इधर उधर नहीं कह सकता क्या? ऐसे ऐसे अब कौन सा कंट्रोल क्या दबाऊं? कोई बंद हो गया ना कंट्रोल के चक्कर में, फिर बैठे रहेंगे। डी ऑप्शन आ रहा है, अब मैं आपको एक स्पेशल विधि सिखाऊंगा, एक जादुई मंत्र सिखाऊंगा अभी। देख किस पे करोगे? सिखा तो दूं मीनाक्षी, भरोसा नहीं आप गड़बड़ कर, जो भी आए हो दंग गले आ जाए। अच्छा यान हो जी, देखो
ये किया आपने? नहीं क्या? ट्राई करो। देखिए, एक बटा चार इंटू 4856 इंटू 0.5 12, पॉइंट हटाया बट्टे में, पाँच से ये कितनी बार, दो से ये कितनी बार, 24, 28। अब ये चार से काट दो, कितनी बार, कोई सा भी काट दो, 2428, नहीं कट जाएगा कोई दिक्कत, ये हो गया तीन। अब 2428 को तीन से क्या करना है, गुणा, आठ ये 24 का चार हासिल की, दो तीन दो छः दो आठ, चार तीन बारह का दो हासिल की, एक तीन दो छः एक सात। आप इसको मैं बता रहा हूँ शुरू में ना, धीरे धीरे करना, ऐसे मैं कर रहा हूँ वैसे ऐसे गुणा नहीं हो, ऐसे डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं। हम सुबह उठना होते हैं ना तब से ही गुणा ही करते हैं, रात तक गुणा ही करते हैं, इसलिए तो आप है ना इसको आराम से करना बैठ के, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी स्पीड बनेगी ना तो आपको खटाखट उड़ाना है, ठीक है ना, धीरे प्रैक्टिस से होगा, आपको घर पे लेके बैठना होगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। जितना इंस्टाग्राम चलाते हो उतना इसको चलाओगे ना तो बहुत शानदार चलेगा। ये दूसरा, फिर ये आपको फॉलो करेगा आप, और आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना एक जोक था कि उसमें कि पढ़ाई है वो जैसे शादी ब्याह में जाते हैं रिश्तेदारों की तरह होती है, कि ज़्यादा दिनों के बाद शादी में जाते हैं तो रिश्तेदार बोलते हैं बेटा तुम कौन, आप बोलते हो अंकल जी आप कौन, वैसे ही किताबें होती है, जब आप इनको पढ़ना छोड़ देते हो फिर जाते हो तो सब्जेक्ट बोलता है कि बेटा तुम कौन, आप सब्जेक्ट बोलते हो कि तुम कौन, ये सेम वैसे ही, ठीक है ना। दूसरा करना है, बताएंगे आप, अंडर प्रोसेस ही है, खुशी देखो रे, खुशी देखो बिल्ली की, मैं इतने दिन हुआ मैं चूहे ढूंढ रहा था बिल्ली के लिए, अब बिल्लत किससे चार हजार 28, आराम से करो, होमवर्क में लिख लो, तो ये होमवर्क में डाल दो, HW लगा दो, देखो यान का क्वेश्चन है क्या सॉल्व करना, 6156 भाग में रूट एक्स गुणा में 53 गुणा में क्या है और बराबर में कहा है 4000, ये जो चीज भाग में है वो बराबर किस तरफ जाती है तो, और ये जो गुणा में वो भाग में आती है तो, ये गुणा में वो इधर आती है तो भाग में, 6156 इंटू 53 और ये नीचे आया तो 4028 और इधर क्या आ गया रूट। अब काटो, जिससे कटे उसी से पहले दो से काटना शुरू करो, फिर ये छोटी होती जाएगी ऐसे, दो से तो ये कटेगी देखो 2014 बार, ऊपर वाला कितनी बार कटेगा, 156 का आधा करो कितना होता है 78, 3078 कट गया, और काटो, दो से कटेगा तो ये हो जाएगा 1500 और 78 का आधा कितना होता है 39, 1539 और ये कितनी बार कटेगा 1007, और काटो, अब ये कौन किससे कट रहा है, 53 का बैठ रहा है क्या नीचे की तरफ, हम्म,
नहीं बैठ रहा। ये कितनी बार कट रहा है? क्षेत्र बार कट रहा है, ये 4028 कटा क्षेत्र बार। अच्छा तो ये कर लो, चलो नहीं ये कटेगा जैसे कैलकुलेशन ऐसे होगी। हाँ हाँ इतनी कैलकुलेशन होगी, देखो नहीं स्किप नहीं। देखो ये कितना हो गया, 1539। इन्होंने ऐसे बताया देखो, 6156 इंटू 53 4028 बराबर रूट एक्स है। ये इन्होंने काटा क्षेत्र बार, और क्षेत्र का इसमें कितनी बार जा रहा है, क्षेत्र का 6156 में कितनी बार जा रहा है? एटी वन टाइम जा रहा है। ये इधर काटा तो 81, तो 81 इज इक्वल टू रूट एक्स। इधर रूट है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, रूट हटाते हैं तो क्या जाता है स्क्वायर। तो इधर से एक्स पे रूट हटाया तो इधर क्या गया स्क्वायर। 81 का स्क्वायर का मतलब होता है 81 × 81। चलो एक सेकंड रुको, ये दौड़ रहा है। यही था 65-61 ऑप्शन बी। कोई नहीं रहता, ये दबा दिया जाए ये वाला। अच्छा ये कंट्रोल हो रही है माइनस, देख लो हो ही नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ। अच्छा अब हुआ एक साथ ही हुआ है, और ज्यादा हो गया। अरे भाई अब देखो, अब मैं बताता हूँ और ट्राई करना इस बार कुछ ऐसा दूँ। एक सेकंड रुको, आप थोड़ा सा वेट करो। ये कल वाले, कल वालों में से अब देता हूँ, अब आप कर निकालते। एक मैं आपको रूट निकालना सिखाऊंगा, कोई बड़ी संख्या हो उसका रूट कैसे निकालते। देखो एक, चलो मैं तब तक ट्रिक बताता हूँ, ये ओपन होता है तब तक। हाँ कोई बात नहीं, हो गया। देखिए जैसे आपको मान लो कोई संख्या है उसका रूट आपको मालूम ही नहीं है, जैसे मैंने लिखा 196 और इसका रूट आपको मालूम ही नहीं है कि इसका रूट करेंगे तब कितना है। वैसे आपकी सेहत के लिए बता दूं कि 14 का होता है, 14 का होता है 196, ठीक है। अरे 14 का नहीं, ये 13 का 169 होता है, 14 का होता है आपका 256 नहीं होता, 196 ही होता है ना यार। तो फिर उल्लू कहेंगे देखो, तो अब देखो 196 में ये 14 का होता है, तो अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये 14 का है। मान लो कोई बड़ी संख्या भी आ जाए तो आपको पीछे देखना कि ये 6 किसके पीछे आता है। तो एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, पीछे 6 आता है, एक 6 का स्क्वायर 36 होता है, पीछे क्या आता है। ये मैं आपके यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का, 9 का और 10 का। तो आपको पता चला कि यार ये पीछे तो 6 1 4 क्या था, 6। तो आपको यहां पे एक जगह 4 लिख देना, एक जगह क्या लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद में जब आप स्क्वायर निकालते हो तो आप दो अंकों को छोड़ोगे, और यदि क्यूब निकालते हो तो 3। तो स्क्वायर निकाल रहे हो तो इन दो को छोड़ दो और इस पे फोकस करो कि एक एक किसका हो रहा है, एक किसका स्क्वायर, ओनली एक। तो इनके साथ एक, अब ये या तो 14 का है या, अब इनको आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, 14 × 14 कर लो, 16 × 16 ऐसे आंसर के क्या जाते हैं, करीब जाते हैं। अब इसमें तो आपको लग रहा है कि सर ये तो नॉर्मल चीज है क्या, बट हाँ
हाँ बिल्कुल ऐसे भी होता है, हाँ हाँ ऐसे कई तरीके से। ऐसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जैसे मान लो कोई 35 का रूट आ गया, आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, 30 का 900 होता है, 40 का 1600 होता है, तो देखना है कि 900 और 1600 की रेंज के बीच में है कि नहीं, बीच में है तब क्या है 30 और 40 के बीच में, फिर आपको किसका निकालना है, बीच में पिन लगानी है, 35 का स्क्वायर करके देख लेना है। अब यदि 35 से कम आ रहा है तो मतलब वो 30 और 35 के क्या है, बीच, तो ऐसे भी करीब जा सकते हैं, समझ में आई बात। चलो हाँ एन पूछो। हाँ चलो अब देखो लाडू एक और बताओ, आप पॉइंट वाला करने में इंटरेस्टेड हो, ये करो भाई, ये वाला करो, पांचवा आप नए वाले, आप बहुत जल्द सीख जाओगे, है ना, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, और आपको मजबूती से डटे रहना है मैदान। करो बिल्ली मौसी निकाल, एक मिनट में इसको साइड। देखो लो आप करा देखना, अब एक ना आंसर देखो, इन दो ने जोड़ना, पहली कोष्टक सॉल्व करना, 1.06 है, थैंक यू एडवेट जो थोड़ा बन किसको, ठीक है ओ है, पॉइंट पॉइंट की जगह पॉइंट 04, 6 4 10 को 0, असल की एक पॉइंट एक का स्क्वायर माइनस एक्स और बराबर में कितना है 4.1006 0.04 पॉइंट हटाया 100, क्योंकि दो जीरो दो अंक पर है, पॉइंट हटाया होगो 1.1 को स्क्वायर करना है, पहले 11 को स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर 121 भाई, 11 × 11 ही तो करना, अब जान 1.1 मतलब दोनों पॉइंट अंक बीच कितना अंक है, तो पॉइंट कटाए दो छोड़ आएगो, 1.21 माइनस एक्स बराबर अटकाइए 4 × ओ भी 4 हो गए, तो आगे जीरो कोई सेंस कौन रहे पीछे करो, 106 और बट्टा में ये 4 जीरो कर सकूं मैं, 100 × 100 4 × 4 16, तो 106 × अपन कहीं करना है 16, इनको मैं थाने एक शॉर्टकट बताऊं स्पीड करने वास्ते, 106 ने 16 मत करो, 106 ने पहले 10 करो जन खाई जी 1060 भाई, कोई भी चीज़ में 10 गुणा करा देना सीधो जीरो ही तो लागे आगे 1060 हो गया, अब इन 6 कर दो क्योंकि 16 करना बता हैं, 10 ही करियो 6 बाकी है, 6 × 36 का 6 असल की 3 हटाया जन 3 बहुत करने आवे, वो टेढ़ा होता है वो स्पीड, वो है ना उतना बेटर करें, मैं बताऊँगा कैसे करते हैं वो, 31 × 31 करते हैं ये, 1 3 और 3 6 3 3 9 ये बड़े में बैठना है, अब देखो 1060 636 गुणा गुणा कर ले वो ना, ठीक है अब 1.21 माइनस एक्स बराबर कितो है 16 96 / 4 अब
पॉइंट, अब देखो पॉइंट कटा है, देखो अट पॉइंट रहे तो ना अटा तो ना एक जीरो आते, अट रहे तो ना दो जीरो आते नीचे, अट रहे तो ना तीन जीरो आते, अट रहे तो ना चार जीरो, रा पंगा नहीं कितना जीरो है, ये चार जीरो ना हटाई दियो, ये चार अंक छोड़ कहीं लगा है, लगा सका, देख पाँचों पॉइंट हटाते हैं, एक एल आर कितना जीरो आई चार, बस अब वो कहीं को एक पॉइंट दो एक माइनस एक्स बराबर पॉइंट एक छः नौ छः, एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस और ये इस तरफ जाएगा तो एक पॉइंट दो एक माइनस पॉइंट एक छः नौ छः बराबर है एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक पॉइंट दो एक नीचे कहा जी वो पॉइंट की जगह पॉइंट एक छः नौ छः को अटकी नहीं है जना। अब इर कनो उधार लियो अट उधार लियो दस मु छः गया चार अटकाइए नौ नौ मु नौ जीरो अट जीरो है दस मु छः गया चार एक मु एक जीरो एक पॉइंट जीरो चार हाँ ऑप्शन अभी देख एक पॉइंट जीरो चार जीरो चार ई ऑप्शन करेक्ट हाँ। अब आ चीज में पढ़ाता रहे ना सर मांगा ने यान के यान मुंडा बिगड़े की करे इम कहीं पढ़ो इम कहीं है कहीं इम पढ़ाओ जन गुणा और पॉइंट और कर बताओ पॉइंट गुणा पॉइंट ई ई ऑप्शन इज करेक्ट कितना जना की ऑप्शन आए एक सर्दी कर एक जना गायो यार है को नहीं छोटी चीज हो रही कितनी गंभीर है ते भागो क्यों फोन आ गया कोई बात ये घर पे जाएंगे अभी घर का चलो ये मैं करके दिखा ई वास्ते क्या करे मैथ में कोई भी चीज ने छोटी नहीं होनी ये एक पॉइंट अरे आवाज नहीं कोई रिकॉर्डिंग देख के सोच कि कहां किन पढ़ा है परसेंटेज बराबर बराबर में क्या है मेरे YouTube वाले ना वो WhatsApp पे मैसेज करते हैं कि आपके ऑफलाइन कोचिंग का है उसका क्या नाम मैंने कहा कोई नाम नहीं बोले कि बिना नाम की कोई कोचिंग होती है क्या सर क्या सर आप भी मजे ले रहे हो मैंने कहा ऐसे ही है बच्चे सर तो फिर हम बोलते हैं उनको कि भाई नाम नहीं है तो बोलते हैं कहाँ चलती है नागौर बोले कि हम आ जाएं क्या अब हम बोलते हैं कि नहीं आपको नहीं आना है कि सर कोचिंग चलाते और आने के लिए मना कर रहे हो लोग तो एड निकालते हैं हमने कहा हमारा बिल्कुल समीकरण अलग है आप नहीं समझोगे ठीक है अब देखो एक पॉइंट जीरो छः और जीरो चार ये क्या हो गया एक पॉइंट एक इतना तो हुआ ना आपके माइनस इसका कोई सेंस नहीं होता ये नॉनसेंस है ठीक है आगे देखो अब चार इंटू एक पॉइंट जीरो छः इंटू पॉइंट अब देखो ध्यान सुन लो ये पॉइंट ने हटाया नीचे सो अब इन्हें काटा पिटी कदे ही नहीं करना गलती में नीचू काटनो नहीं अब देखो एक पॉइंट एक का स्क्वायर तो 11 इंटू 11 करो 121 पॉइंट पॉइंट दो अंक हो गए एक पॉइंट अब इन गुणा करो ऊपरलान ऊपरलान गुणा करो 106 इंटू 16 हो जाएगा ना 4 इंटू 4 16 अब यान गुणा करना रहना मैं थाने एक देसी स्टाइल बताऊं हमेशा ही यान करो जान 106 ने 16 गुणा करना है 16 नहीं करना कितों करो 10 करना जन 10 करो जन कितो जी जन थान था है कि 1060 1060 ठीक है 10 को 106 जन थे क्या हो गया सर हाँ 10 तो कर दियो करनो कितो हो 16 लार कितना बचा अब इन 6 गुणा करो जन 6 गुणा करो ना अब 106 ने 6 गुणा करना या नहीं करना 100 ने 6 कर दियो कितना होगा ये तो करो इन बीच चलो यहीं कर दो अब देखो 106 को 6 से क्या कितना हो गया 636
ये इसमें ऐड कर दूँ, 696। अब 1696 में नीचे जीरो कितना है, चार। अब ये चार जीरो है, ईरो मतलब मैं चार अंक छोड़ पॉइंट लगा सकूँ, इन हटा सकूँ, हटा दियो। क्यों? क्योंकि यदि पॉइंट वापस हटावा तो एक के लारे ये चार है तो कितना जीरो अजी पाचा, वो यान पॉइंट हटाया, हटा दियो। अब एक्स बी साइड ओ ई साइड, अब पॉइंट के सीध में पॉइंट रखो, अट जीरो जीरो लगा जो कोई सेंस कौन, पॉइंट एक छः नौ छः, इधर से उधार लिया दस में से छः गया चार, नौ नौ जीरो, यहाँ पे जीरो बच गया, इधर से लिया दस में से छः चार, एक एक जीरो पॉइंट एक, ई ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा? इसको तो ऐड किया किसमें, कौन सी लगाई? हाँ हाँ हो जाएगी, हो जाएगी, राइट, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये इतना तो खुल ही रहा है, उसमें टू टाइम्स ही करना, इधर आएगा माइनस हो जाएगा सीधे। देखो 1.1 का स्क्वायर खोला, 1.2 है, ये तो खुल गए एक्स, हाँ नहीं देखो 1.10 आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊं, हाँ आपके दो जीरो एक्स्ट्रा आए पीछे, और कुछ नहीं था, और दो जीरो हमने ऐसे फोगट में ठोक दिए, देखो ये रही यहाँ पे, है ना, बस। अब ऊपर वालों को गुणा कर लिया, ये गुणा कर लिया बाबे, 1600 में आए, अब बट्टे में कितने जीरो थे, चार जीरो, तो हमने चारों जीरो को हटा दिया और चार अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, और फिर अब एक और करो, ऐसा नहीं इससे अच्छा दे दें तो आप बोलो, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? क्या बोले? ये आठवां करो, देखे सेम वैसा ही है, आठवां आठवां कट, सेम टू सेम है, अच्छा एकदम सेम है जी, और ज्यादा सेम, ये बहुत ज्यादा सेम है, रुको रुको ये ऑप्शन कैसे होगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, बिल्ली गेली चलिए, चलो यार ये ग्यारहवां करो, आप ग्यारहवां करो, लाड लो, कोई रिकॉर्डिंग देखा कर सोचेगा ये ग्यारहवां कर रहे हैं, सभी करना शुरू हो गए, कहां से कर रहे हैं, तीन सौ छब्बीस इंटू चौदह माइनस बारह इंटू अट्ठासी प्लस उनपचास का स्क्वायर करो बेलाड लो, इसका प्रैक्टिस करो, दिल्ली मौसी बंदे को लाड़ते कोई स्मार्ट कैलकुलेटर हार्ड वेड ये टेट लाड़ते गए आपके हो रहा है ना बेटा जी, करो तेरे को क्या घूम घूम, ये कुसुम है ना, तुम वहां तो हाँ बोला करो, मैं पहले से कंफ्यूज हूँ, आप ऊपर से और क्यों करते हो, ये ठीक है, फटाक से इधर से बेक लिया, इधर से रिप्लाई दिया, इधर से वापस कैलकुलेटर में है ना, राइट, मैंने बी भी दिखाई दिया, फिर आगे एस देखा तो इतना सब पता चला इधर अभी तो सैनी हो गया है ना,
सही बैठ गया क्या बबीता पीछे इनकी मंजिल को मुकाम ही नहीं मिला मीनाक्षी ने ऊपर देखा ऊपर ऑप्शन में मैच नहीं किया 4500 में बी ठीक है 5909 आ रहा है तो चलिए ढूंढने आंसर को ढूंढने चलते हैं क्या बोर्ड मास में पहले क्या था ये मजे ले रहे हैं उधर देखो आतंकवादी हाँ अभी देखो 326 × 14 कितने हुए भाई 45 माइनस 12 88 10 56 49 का स्क्वायर कितना होता है पहले अब देखो बोर्ड मास ए एड करना पहले एड करो इन दोनों तो करो कितना है चौतीस 57 अच्छा ये नहीं अलग अरे यार ये ऐसा कहाँ है ना रुको ना ये ऐसा कहाँ है रुको 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 ये माइनस का है ना ये माइनस का है ना तो देखो दिमाग ये देखो ये दोनों ऐड करो 69 माइनस 1000 तो ये कितना हो गया 59 हो गया चलो अब एक और करोगे एक होमवर्क लिख लो सिर्फ नोट करके ले जाओ भाई कुछ सीखा आज कुछ इंप्रूव हुआ ना कुछ इंप्रूव हुआ यस क्या कुमकुम ठीक है थोड़े टीके रहना है आपको डटे रहना है होगा इंप्रूव होगा 100% इंप्रूव होगा कुछ और भी बोल दो फुल फॉर्म मैं बनाऊं इनको बड़ी जल्दी नहीं ये किसी और उम्मीद में थे अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो आपको मैथ्स छोड़े हुए कितना टाइम हुआ है आप दोनों यस टेंथ के बाद नहीं पढ़े तो 2 और 3 3 साल 5-1 साल हो गए ना थोड़ा जंग लगा हुआ ऐसे हफ्ते भर में ठीक होगा उसके बाद बढ़िया चलेगा अभी डर तो नहीं लग रहा ना डर लग रहा है क्या हाँ मन नहीं कर रहा पढ़ने का रीजनिंग तो आता है समझ मैथ्स भी आएगा चलो इसको रोको एक मिनट मोना रोक दो